सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुर्गा अष्टमी के बारे में जो कि आने वाली 13 अक्टूबर की पड़ रही है। और दुर्गा अष्टमी को जो है माता जगदम्बा की 8 स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन माता महागौरी की पूजा करने का विधान है। माता पार्वती जी ने जो है भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और जिसके कारण इनका रंग काला पड़ गया था। माँ के जो है 9 रूप हैं और 10 महाविद्याएं, तो सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं। कहते हैं कि भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और संग फलदायिनी है। दुर्गा अष्टमी का जो है एक बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और लोग अपना व्रत भी खोल देते हैं। माता महागौरी ने जो है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए काफ़ी कठोर तप किया था जिसके कारण इनका रंग जो है काला पड़ गया था, लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से जो है बाद में माता का रंग साफ हो गया था, तो जिसके कारण माता बाद में महागौरी कहलाई। महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है। इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बेल है और माँ के दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ जो है वो दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है और डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। इस दिन जो है माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग जो है प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए और इस दिन जो है कन्या पूजन का भी बहुत विशेष महत्व कहा गया है। भक्त को चाहिए कि माता की पूजा करते समय सफ़ेद फूल अर्पित करें और प्रसाद में नारियल चढ़ाएं और सफ़ेद वस्त्र पहन के पूजा करें। और व्यक्ति यदि देवी के 8वें स्वरूप की पूजा करता है तो उसकी सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। और किसी की शादी ब्याह में लेकर यदि किसी प्रकार की कोई अड़चन भी आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। खासकर कुंवारी कन्या यदि इनका पूजन करती है तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिल जाता है और इनकी पूजा करने से भी तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। और शादी ब्याह को लेकर यदि किसी तरह की अड़चन आ रही है तो वो भी सब दूर हो जाती है। कन्या पूजन के लिए जो है 8 वर्ष तक की ही कन्या को लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब माँ केवल 8 वर्ष की थी तभी उन्हें पूर्व जन्म के घटनाओं का आभास हो गया था और इसी उम्र में उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी थी। तो कन्या पूजन के लिए जो है आप लोग 8 वर्ष से अधिक की लड़की ना लें, क्योंकि 8 वर्ष तक ही कन्या को लेना उचित रहेगा। तो आज आप लोगों ने जाना माता महागौरी की पूजा के बारे में। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।